देशर हिंदू एकता कायम रखिबा उपरे बीजेपी रो जोर, जाति राजनीति नारे विरोधी करुछंती हिंदू एकता को कमजोर। मोदी जोगी परे हिंदू एकता को नहीं आक्रामक गिरिराज कहले कांग्रेस चाहूँगी हिंदू को भाग भाग करी राज। गिरिराज करे संगठित हिंदू सशक्त हिंदू वार्तार प्रचार, विरोधी डिवाइड एंड रूल नीति को कर प्रहार। 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय लेते हैं, 50% आबादी, 5% हिस्सेदारी, दलितों की 15% आबादी, 100 रुपए में से 1 रुपया, और आदिवासियों की 8% आबादी और 100 रुपए में से 10 पैसे। 10 पैसे आज के टाइम में 100 रुपए में से 10 पैसे आपके, तो यह बदलना है। कैसे बदलेगा? जाति जनगणना, दूध का दूध, पानी का पानी, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, धन का सर्वे। हिंदुस्तान में कितना धन है, किसके पास है, किसके हाथों में है। हिंदू को जाति आधार में बांटा राजनीति गत किछि दिन धरी जो धरिबारे लागिछि। यहाँ सही राजनीति जहार रक्त लोकसभा निर्वाचन बेलू कांग्रेस मुहरे लागि सारिछि, सेथिपाइं गत हरियाणा विधानसभा निर्वाचन में भी तार प्रभाव देखा मिलता। आगकू महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार में निर्वाचन होगा, तेणु जाति नारे हिंदू एकता भांगिबा वाला यह राजनीति अधिक आक्रामक होगा पूर्वरु हिंदू समाज को सतर्क कराइबा को अंटा भिड़ी बीजेपी। जाति राजनीतिर काट पाई आक्रामक रणनीतिर आवश्यकता रही, तो विधानसभा निर्वाचन फल आसीबा पूर्वरु ही निजे प्रधानमंत्री ए प्रसंग को उठाई। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। पीएम मोदी हिंदू एकता कथा इथिपाई कहउछंती कारण तांकु क्षमतारु हटाइबा चक्कर रे विरोधी हिंदू को जाति आधार रे बांटिबारे लागिछंती। सेमाने एक कथा भूली जाइछंती, जदि हिंदू समाज विभाजित होइजिबा भारत को एहार गंभीर परिणाम भोगिबा को पड़िबो। सेथिपाई तो आरएसएस मुख्य मोहन भागवत मध्य निकटरे राजस्थान रे समान प्रसंग उठाई देशर सुरक्षा पाई हिंदू को एकजुट हेबाकू आह्वान देथिले। भारत माता के पुत्र है और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे, लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। कहीं के प्रधानमंत्री मोदी को ठारु संघ मुख्य मोहन भागवत को जाए समस्ते हिंदू एकता उपरे जोर देउछंती। हिंदू को उपरे परे केऊ विपद आसीबा को जाउछि, मोहन भागवत जानिछंती जे पर्यंत भारत रे हिंदू एक रहिबे भारत सुरक्षित रहिबो, आ जदि हिंदू भाषा जाति प्रदेश नारे विभाजित होइजिबे ताले भारतर सुरक्षा विपद रे पड़िजिबो। सेथिपांत यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बारंबार हिंदू समाज को कहउछंती बटोगे तो कटोगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। एबे आउ दुई पाद आगो को बढ़ी खास हिंदू समाज को एकजुट करबा उद्देश्य रे हिंदू स्वाभिमान यात्रा आरंभ करबा को जाउछंती केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह। हिंदू स्वाभिमान यात्रा हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। खाली स्थिति के नुहे
ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ସମୟରୁ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କିଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଗିରିରାଜ। पाकिस्तान में 22 प्रतिशत हिंदू आज आधा प्रतिशत पर बच गए। हमारी बेटी मंडप पर से उठ गई, हमारे मकान दुकान ध्वस्त हो गए। हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। गिरिराज का ही हिंदू स्वाभिमान यात्रा जाति राजनीति आधार रे बंची रही राजनीतिक दलों को सह्य होबा केमिति। ये गिरिराज जी जो है इनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ये तो संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे मंत्री जो इस तरीके से धार्मिक भावना को भड़काकर और हिंदू मुस्लिम की बात कहकर ओथ के अलग हटकर इतर हटकर और जो संविधान के मूल्य संविधान के निर्माताओं ने दिया है इसको विखंडन कर इस तरीके की जो यात्रा है प्रधानमंत्री जी के ओनस लाइज विद द प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को ऐसे मंत्री को कैबिनेट से बाहर कर देनी चाहिए। मोदी हिंदू एकता प्रसंग उठाइबा पछरे मुख्य कारण हेउछि भारतर आभ्यंतरीण राजनीति। कारण इंडिपेंडेंट जानी सुनी जाति राजनीति को प्रश्रय देउछि। राहुल गांधी बारंबार जाति जनगणना पाई दावी करुछंति, एपरिकि बजेट प्रस्तुत करतुबा अधिकारीक जाति पचारी सेमानंकु टार्गेट करुछंति। मिस इंडिया प्रतियोगिता विजेताक जाति को नै भी प्रश्न उठाउछंति। राहुल गांधी प्रत्येक विषय को जाति सह एबे जोडुछंति। मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, कहा ठीक है देखते हैं। मतलब माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम, आप भी शामिल हैं और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब है। मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है राइट, मगर आप भी 90% में हैं। होइपारे राहुल गांधी के प्रयास जो इंडिपेंडेंट को किसी राज्य में क्षमता मिल जाए किंतु यही राजनीति देश विपद भविष्य यार परिणाम भयंकर होइपारे से मोदी यही विपद बर्तवाई देशवासी को सतर्क कराऊ अतीतर शिक्षा नेवाई कहते कारण 1990 देश में जाति को नहीं राजनीति जोर धरी कहार ध्यान काश्मीर पंडितों समस्या प्रति रही से अत्याचार कर निज भिटा माटी तड़ी दिगला मंडल राजनीति समय ही काश्मीर पंडितों पर अत्याचार सेपरी राम मंदिर कथा देखंतु जे पर्यंत उत्तर प्रदेश जाति राजनीति रे फसिकी रही थिला से जाए राम मंदिर निर्माण असंभव लागुथिला। हिंदू समाज यूपी रे जेबे एक हैला समस्ते जोर लगाइले आईन लड़ाई रे विजय मिलिला और राम मंदिर निर्माण संभव हो पारिला। मोदी जेबेठु देशर शासन डोरी धरिछंती देशर हिंदू समाज को एक करिबाकु प्रयास करि आसिछंती सेति पई त हिंदू को अयोध्या काशी और मथुरा रे होइथिबा षडयंत्र बुझा पड़िछि। किंतु जदि लोके जाति आधार रे भाग भाग होई जिवे हिंदूंक एकता रहिबो नाही गत 10 वर्ष रे जेउ प्रयास होई छि ताहा मध्य बेकार होई जिवो। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको हमो वीडियो टी भल लागिला तबे हमो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नाही।